nice to meet you, ka everyone. Nice to meet you. Welcome to Phuket, Southern of Thailand. Welcome to PP Island, นะคะ हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इन रियाज फिल्म एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ नैना रिजॉर्ट पे और आज थाईलैंड फुकट में हमारा तीसरा दिन है। कल हम गए थे क्रॉन बीच पे और आज हम जाएंगे फिफी आइलैंड, वहाँ कुछ बीचेस को एक्सप्लोर करेंगे। ये सारा पैकेज हमने बुक किया है, वो किया है 1300 baht में। लोग काफ़ी पैसे मांगते हैं, 15 भी मांगते हैं, 16 भी मांगते हैं, 17 भी मांगते हैं, मगर आपको चाहिए कि उनसे कमी पेशी कराएँ, कम से कम में ये जो टूर है बुक करें। फिफी के तकरीबन 5 बीचेस पे लेके जाएंगे और लंच इसमें इंक्लूड है। हमें होटल से पिक करेंगे तो होटल पे ड्रॉप करेंगे। तो गाड़ी आना है तकरीबन 8 बजने वाले हैं। गाड़ी हमें यहाँ से पिक करती है, फिर हमें लेके जाएगी फिफी आइलैंड। गाड़ी आ गई है, ये हमें बोर्ड तक लेके जाएगी। आप देख सकते हैं आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ हमें ये बोट पे बिठाएंगे और यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वो फ्री है। आइए देखते हैं कि नाश्ते में क्या क्या है। हमने तो ऑलरेडी नाश्ता किया हुआ है, कुछ जूस वगैरह पीते हैं तो फिर आगे निकलते हैं। तो नाश्ते में जो है जी, ब्रेड गर्म कर सकते हैं, ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड, जैम्स हैं, ये यहाँ पे पिक्चर बना रहे हैं ताकि जितने बंदे ये लेके जा रहे हैं इन्हें पता हो कि इन्हें लोग हम ले गए हैं और वापसी पे इन सबको ये वापस लेके आएंगे। ये इनकी जिम्मेदारी है कि जिन्हें जिन्हें लेके जा रहे हैं उन्हें ये वापस भी लेके आएंगे। हम उसकी मारी हमारी बना रहे हैं। थैंक यू जी। फोटोग्राफी हो गई है तो अभी हम तैयार हैं बोट में बैठने के लिए। यार ये अपने जूते रख दिए हैं, ये भैया कह रहा है कि मुझे लाइफ जैकेट बहुत छोटी मिली है, मेरा साफ करो। Sandy. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you. Welcome to Phuket, Southern of Thailand. Welcome to PP Island, นะคะ फाइनली गाइस, पहला स्टॉप आ गया है फीले लाकून। बड़ा मुश्किल नाम है मगर हमने बोली है। ये पहला स्टॉप है फीले लाकून। आपको व्यू दिखाता हूँ इसके। वाओ, अमेजिंग। बहुत साफ पानी है, क्रिस्टल क्लियर। आपको नीचे से इसकी सैंड भी नज़र आ सकती है। सो गाइस, ये है पहला स्टॉप फीले लाकून। काफ़ी अच्छा है, लेक की तरह है, चारों तरफ से बंद है, व्यू बड़ा अच्छा है। बस मुझे ख्याल है कि यहाँ पे अगर आपने आना है, अगर आपने नहाना है तो आप नीचे उतरें, और आपने नहीं नहाना
तो आप बोट पे बैठ के ही सारे व्यू को एंजॉय करें। हेलो, तो फर्स्ट आप बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप आ सकते हैं यहाँ पे। अगर स्विमिंग नहीं भी करते तो व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप खूब इन्जॉय करेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट आप है माया बे। अभी हम पहुंच गए माया बे पे और गाइड ने हमें दिए 40 मिनट में अपने वापस आने हैं। तो देखते हैं माया बे में क्या क्या देखने को, मेरे साथ रहिएगा। तो गाइस, ये है माया बे। शुक्रिया जी, कहीं धूप गायब हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप सही चुभने वाली है। सो फाइनली गाइस, माया बे का जो व्यू पॉइंट है वो आ गया है और बड़ा अच्छा व्यू है इसका, आपसे शेयर करते हैं। माया बे पे आप स्विमिंग नहीं कर सकते, जस्ट आएँ, खाएं पिएं और बीच पे जाएं, पिक्चर्स बनाएं, व्यू को एंजॉय करें और वापस बोट तरफ जाएं। शुक्र है दरख्त मिले हैं, थोड़ा मज़ा आया छाव में। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा, सही चुभने वाली धूप है। ये है माया बे, हेवन ऑन अर्थ। माया बे बहुत खूबसूरत है और वाइट सैंड है, बिल्कुल प्योर वाइट, और इसका जो पानी का कलर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है, ब्लूश, लाइट ब्लूश कलर है। सो गाइस, ये था माया बे। हम पानी के अंदर जाते हैं और पानी को एंजॉय करते हैं। बीटी से बस दो ही काम है, आप पिक्चर बनवाएं और स्विमिंग करें और इस व्यू को एंजॉय करें। सो गाइस, ये था माया बे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मोस्ट रिकमेंडेड है, चलते हैं आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।